नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा काफी रहा था। क्यों रहा था? महिलाओं की सुरक्षा को लेके और जो वहां कार्य होते हैं उनको लेके। मगर इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई थी सिर्फ वही बता सकता है जो कि डेरा सच्चा सौदा लगातार सालों सालों से जाता है। आखिर सालों सालों से जाने का एक रीज़न होता है, जब इंसान को कुछ मिलता है तभी वो जाता है। ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि काफ़ी सालों से वहाँ जाते हैं। जानेंगे कैसा था इनका सफ़र और क्या होता था डेरा सच्चा सौदा के अंदर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? बसंत पन्नू जी। सर, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? लगभग हमारे 50 साल से, जब से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना उसी टाइम से। सर 50 साल मतलब आपकी फैमिलीज वाले जुड़े हुए हैं? जी हाँ जी सर। आप इतने लंबे समय से जुड़े हो, बचपन से लगभग जुड़े हो, तो उसके बावजूद आपने डेरा सच्चा सौदा में कभी कुछ ऐसी घटना देखी जो कि मीडिया के द्वारा दिखाई गई? बिल्कुल नहीं देखी जी, ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं देखी। अगर मीडिया के द्वारा दिखाई गई तो मैं मीडिया को रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जिन्होंने एडिटिंग करके बहुत कुछ दिखाया डेरा सच्चा सौदा में, जैसे बाबा जी के ने बनाया, जैसे पैलेस वगैरह बना रखे है, जहाँ रिजोर्ट बना रखा है, स्टेडियम बना रखा है, ऐसे डेरा सच्चा सौदा बिल्डिंग है, उनको एडिटिंग करके और मीडिया ने बड़े तरीके से लोगों को दिखाया और लोग उनकी बातों में आगे, जे देखो जी डेरा सच्चा सौदा में ये होता था वो होता था, बहुत कुछ मसाला लगाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि डेरा सच्चा सौदा में ये चीज़ है, तो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ जाए डेरा सच्चा सौदा में, किराया मेरा होगा, गाड़ी मेरी होगी, जाके देखो। मैं शर्त लगाता हूँ, गल गल की शर्त लगाता हूँ कि ऐसा डेरा सच्चा सौदा में मैम कुछ भी नहीं था जो लोगों ने देखा है, वो भी मीडिया ने गलत दिखाया, बिल्कुल गलत दिखाया। सर, जो महिलाएं जाती थी डेरा सच्चा सौदा के अंदर, जनता जानना चाहती है आखिर वो सुरक्षित कितनी थी? बहुत ज़्यादा। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है, बहनों की तरफ बहनें ही, जो लंगर पानी या जो भी कंटीन वगैरह लगती हो, बहनों की तरफ बहनें ही सेवादार होती है, भाइयों की तरफ भाइयाँ होते, ना तो बहनें भाइयों की तरफ जाती है और ना भाई बहनों की तरफ जाते, ऐसा कुछ नहीं था। एक हिंदुस्तान में डेरा सच्चा सौदा ऐसा धर्म है जहाँ बहनों की बहुत ज़्यादा इज्जत करी जाती है, दुश्मनों की बहनों की भी इज्जत करी जाती है, तो आम बहनों की तो इज्जत करी ही जाएगी। वो सब कुछ लोगों ने जो भी बातें बनाई है, आजकल आपको भी पता है कि माहौल कैसा है, मोबाइल हो गया, नेटवर्क हो, बड़े बड़े चैनल हो गए, इन्होंने बहुत कुछ गलत दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है डेरा सच्चा सौदा में बिल्कुल भी। सर, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का काफ़ी नाम आया था डेरा सच्चा सौदा का भी, कि गुरुजी ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, क्या सच था इसका? डेरा सच्चा सौदा ने फोर्स बनाई सिर्फ और सिर्फ मानवता की भलाई के लिए। डेरा सच्चा सौदा ने अपने तरफ नहीं बनाई भी हमें उनको, जहाँ कोई युद्ध करना है, जहाँ कुछ हमें वोटों का है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए कि मानवता। डेरा सच्चा ग्रीनेस वेल फोर्स सोसाइटी विंग जो भी बनाया है, कहीं आफत आती है, पानी आता है, बाढ़ आता है, सूखापन आता, कहीं भी आता है, तो डेरा सच्चा सौदा के एक भी प्रेमी को पता लगता है तो मिनटों सेकेंडों में वहाँ पर ढेर लग जाता है प्रेमियों का। कहीं कोई आफत है तो डेरा सच्चा सौदा में ही पता लगने के बावजूद उसी टाइम पहुंच जाती है। आपको भी पता होगा, पीछे आप देख सकते हो पंजाब में, जैसे वो लड़का फतेह सिंह वीर गिरा था, तो हमारे डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी पहुंचे थे, वहां पर भी डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों के बीच में बेईमानी हुई, उस भाई को बहुत कुछ किया गया, लेकिन डेरा सच्चा सौदा में जो ग्रीनेस बेल फोर्स विंग है वो हर जगह पहुँचती है। मैं भी उसमें हूँ, मेरे को भी लगभग 10 साल हो गए उसमें, ना कोई पैसा, ना कोई टका, ना कोई नौकरी पैसा, कुछ नहीं लेते हम। कहीं भी मानवता का काम हो तो अपना गाड़ी तेल पेट्रोल बाल के हम जाते हैं, मानवता के भलाई की सेवा करके आते हैं, चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, जान की बाजी पे खेल के लोगों को बचाते हैं। सब कितना विश्वास है गुरुजी? बहुत ज़्यादा, जितना मेरे को अपने आप के ऊपर, इससे भी दुगना विश्वास है हमारे गुरु के। हमारा गुरुजी निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा कि जो भी, चाहे सरकार के ऊपर लगा लो, चाहे और ड्रग माफिया के ऊपर लगा लो, सब ने मिल के हमारे गुरुजी को फंसाया, सब ने मिल के। अगर कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट में तो जो पुलिस प्रस्तुत करती है, उस कोर्ट तो उस आधार पर ही सजा सुनाता है, लेकिन जितने भी कागज या जो भी कुछ किया गया उसमें बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत, 1% भी सच्चाई नहीं है, 1% भी बिल्कुल गलत हमारे गुरुजी को फंसाया गया। अगर कोई जानना चाहता है कि हमारे गुरुजी को गलत क्यों फंसाया, तो हम उनके साथ है,
हमें पैसा लगाएंगे, आप उस केस की इंक्वायरी करो दोबारा, उन लड़कियों को लेके आओ जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, एक लड़की तक नहीं है। अगर चैनलों पे लड़की आती है तो मुंह सिर बांध के आती, किसी भी लड़की को ले लो, वेश्यावर्ती में जो धंधा करती किसी भी लड़की को ले लो, 5-10 हज़ार में कुछ भी बोल सकते। आज 100 रुपये खतर भाई भाई को मार सकते, तो 5 हज़ार खतर बाबा के इल्जाम क्यों नहीं लगा सकेगा कोई, बहुत कुछ लगा सकेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल भी। डेरा सच्चा सौदा सोना था, सोना है और सोना ही रहेगा। सर गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, हम क्या क्या सुनाएं। 133 मानवता भलाई के काम चलाए गुरुजी ने, बहुत ज्यादा। जो कोई भी आप बताते डेरा सच्चा, पहली बात तो आप नशे के लगा लो, डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी है, गुरुजी के कहने पे नशा छुड़वाते हैं लोगों का। और मेरी उम्र है, मैं आज तक बीड़ी जर्दा कुछ नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की प्रेरणा के अनुसार। नशा जो करता उसके ऊपर 10 रुपये लगाते हैं, कोई भी नशा करे उसको हाथ जोड़ते हैं कि आप नशा छोड़ो, हम सिरसा डेरे में लेके जाएंगे, नशा छुड़वाएंगे, आपको दवाइयाँ जो भी खर्चा होगा वो हम लगाएंगे, हमारे गुरुजी लगाएंगे, नशा छुड़वाया। अगर बात करें वेश्या की, तो डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है जो सामने खुल के आई कि हम अपनी बेटियाँ बनाएंगे, हमारे गुरुजी ने बेटियाँ बनाई उन लड़कियों को जिनकी तरफ इतनी गंदी निगाह से लोग देखते थे, उन लड़कियों को हमारे गुरुजी ने बेटियां बनाई, अपने बाप का नाम दिया और उनकी शादियां करवाई, मुख्य धारा में जोड़ दिया उनको ले आके। और ऐसा किसी ने काम किया नहीं है, हमारे गुरुजी ने किया। अगर लोग चाहते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा शहर कौन है, चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े लीडर रहते हैं, उन शहरों में बलात्कार रोज होता है, आप बंद करवाओ उन बलात्कारों को, आपके आंखों के सामने होता है। लेकिन हमारे गुरुजी को गलत फंसाया गया, बिल्कुल गलत। अगर आज हमारे गुरुजी हमारे बीच होते तो ये जितने भी नशे और बलात्कार होते हमारे गुरुजी बीड़ा उठाते, साथ संगत उनका सहयोग देती और ये बंद होना था और हो जाता अगर हमारे गुरुजी को अंदर जेल में ना बंद करते तो। सर समाज को कितनी ज्यादा जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को, जैसे गाड़ी को ड्राइवर की जरूरत है, हमारे गुरुजी की जरूरत है समाज को। नशा वेश्यावर्ती बहुत इतना घटिया हो रहा है, आज लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अगर गुरुजी की सत्संग सुनता कुछ ना कुछ सोची आती है लोगों को, कुछ ना कुछ। अगर 100% में से 30% तो लोग उसके ऊपर अमल करेंगे तो समाज सुधरेगा। हमारे गुरुजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी अपील है सरकार को और जितने भी नाम है जिनको जिनका भी उनको अपील है मेरी, हाथ जोड़ के हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द छोड़ो ताकि समाज सुधर जाए। सर नरकंकाल की सच्चाई क्या है आखिर? बिल्कुल गलत है नरकंकाल की। आप मेरे को बताओ मैम, अगर कोई आदमी आदमी को मारेगा, अगर एक आदमी तो एक आदमी को मार नहीं सकता, अगर बाबा ने आदमी वहाँ पे मारे तो अब तक तो उसके साथ वाले कह देते कि बाबा ने आदमी मारे, बिल्कुल गलत है। कोई कंगाल नहीं था, वो कुछ नहीं था वहाँ पे। लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में आदमी मार के ऊपर पौधे लगा दिए, मेरे पे रख लो, मैं डेरा सच्चा सौदा में जाता हूँ, अगर मैं 4 दिन घर वापिस ना आए तो मेरे घर वाले नहीं संभालेंगे मेरे को, अगर संभालेंगे तो सामने आएगी हमारा बंदा नहीं आया तो वहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत दिखा रखा है मीडिया ने। अगर बात करें डेरा सच्चा सौदा के 500-600 करोड़ अनुआई है, उनकी बात तो झूठी है, सिर्फ और सिर्फ दो आदमियों की सच्ची हो सकती है बात, बहुत पलड़ा भारी है इस बात का, तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अगर किसी को शक है तो जाके डेरा सच्चा सौदा में जाके देख लो, बाकी आपके सामने तलाशी भी ली थी डेरा सच्चा सौदा में, कितनी टीम आई, एक भी हड्डियाँ जहाँ को कंगाल कुछ नहीं है निकला वहाँ पे, बिल्कुल फालतू की बकवास है। इन ऐसी बातों के ऊपर तो ध्यान देना ही गलत है। सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि मीडिया की बातें सुनकर एक मनगढ़ंत जो कहानी है उनके मन में डाल दी गई है डेरा सच्चा सौदा के लिए? मैं उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, सलाह भी देना चाहता हूँ कि आप जितना भी कुछ मीडिया की तरफ से देखा आपने, एडिटिंग करके मीडिया ने दिखाया, आप एक बार डेरा सच्चा सौदा में जाके देखो वहाँ पे क्या है। अगर आप जाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है जो मीडिया में दिखाया गया। और मीडिया का तो काम ही है झूठ बोलना, पीआरटी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं मीडिया वाले। मैं ये चैलेंज करता हूँ, चाहे मेरी बात का गुस्सा करे कोई मीडिया वाला, अपनी पीआरटी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं मीडिया वाले।
अल्टो गाड़ी को बोलेरो गाड़ी बना सकते हैं। मैं ये बात दावे को कह सकता हूँ, अगर मीडिया की बात मानो तो ऐसा कुछ नहीं। आप डेरा सच्चा सौदा में जाके देखो एक बार, वहाँ पे आप जाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। कुछ नहीं है, ऐसा बकवास है बिल्कुल। मीडिया में जो भी दिखाया, बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया, अगर बड़े बड़े चैनल अपना ध्वंस जमाना चाहते हैं तो आप बात उठाओ कि दिल्ली हमारी राजधानी है, बड़ा राज्य है, बड़ा शहर है, वहाँ पर रोज बलात्कार होते हैं। मीडिया जाए उनको सजा सुनाए, सजा दिलाओ आप अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। बिल्कुल बकवास है ये डेरा सच्चा सौदा में, कुछ नहीं ऐसा। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा धर्म है, ऐसी संस्था है, ऐसा डेरा सच्चा सौदा है जहाँ पे सब धर्मों का सत्कार किया जाता है, सब धर्मों का, जितने धर्म उनका सबका सत्कार किया जाता है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेरा सच्चा सौदा में जाके देखो। सर, जो ब्लड डोनेशन होता था गुरुजी, ऐसा क्या कहते थे जो इतनी बड़ी मात्रा में शायद ही कहीं होता हो ब्लड डोनेट, क्या कहते थे, क्यों, कैसा मोटिवेट करते थे? क्योंकि आज के टाइम में ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों की, जरा वो बताइए जो गुरुजी मतलब किस तरीके से मोटिवेट करते थे ताकि और भी लोग, हमारा यूथ जो कि गुरुजी से नहीं जुड़ा, वो भी ब्लड डोनेट कर सकते, जिंदगियां बचा सके। जी, हमारे गुरुजी प्रेरणा देते थे कि किसी इंसान को खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो आप जरूर ब्लड दो। हमारे प्रेमियों ने दिए, पंप तक लगा दिए, जैसे पानी चल तैसे खून दे दिया। कोई किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, उसका इलाज तक भी करवाया और ब्लड बहुत दिया। जैसे आर्मी, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, आर्मी के खातर हमारे डेरा सच्चा सौदा में आते और रोज़ाना की तरह खून लेके जाते हैं, कोई उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। आज तक, आज दुनिया में कोई 10 रुपये दे के राजी नहीं है और डेरा सच्चा सौदा में एक आवाज़ लगा दे साध संगतों को कि ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ पर भीड़ हो जाती है और लोगों के सामने, आंखों के सामने है ब्लड जितना देते हैं, कुछ सोच नहीं सकता। आज भी हम तैयार हैं, चाहे हमारे को लोग कुछ भी कहे, हमारे डेरा सच्चा सौदा हमारे गुरुजी को कुछ भी कहे, गलत बोले, अगर ब्लड की ज़रूरत है तो एक फ़ोन घुमाओ और हमारे प्रेमी लगभग 10,000 के करीब प्रेमी पहुँच जाते हैं वहाँ पर। सर, मीडिया की सुर्खियों में एक जो जवाब मतलब हर एक जो क्वेश्चन है वो जनता की तरफ से है जो कि मीडिया में दिखाया गया था और वो जानना चाहती थी, तो एक सवाल ये भी बनता है जनता की तरफ से कि जो ये बॉडी डोनेट है उसका क्या रहस्य है? हाँ जी, ये बॉडी का है, जैसे आजकल बच्चे हैं पढ़ लिख के मेडिकल कॉलेज में जो सर्च करते हैं, जैसे पहले जानवरों के ऊपर सर्च करते थे, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज वालों ने हमारे गुरुजी से मिले, उनसे कहा कि आप अपने प्रेमियों से मिले कि हम जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो हमें जे सर्च करना है, अगर आप कुछ करो तो। हमारे गुरुजी ने एक आवाज़ लगाई तो सारी सत्संगत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मरने के बाद बॉडी दान करेंगे, जब मरी गए हमारा सांस ही ना रहा तो बॉडी का क्या जलाया जाता है और किसी के काम आएगी? कोई उसके ऊपर सर्च करेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो किसी की जान बचाएगा, तो हम तैयार हैं। जैसे कोई डेथ होगी किसी की, उस बॉडी को तो हम जला ही देते दुनियादारी में, लेकिन उस बॉडी को डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी दान करते, आंखें दान कर दी तो उसके बाद बॉडी रहेगी, बॉडी को दान करते। जैसे बड़े बड़े शहरों में को मेडिकल कॉलेज वहाँ के ऊपर हमारे बहन भाई, हमारे जो यंग जो लड़के लड़कियाँ ज़्यादा पढ़े लिखे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो सर्च करते हैं भी कैसे कोई बीमारी का जहाँ जो भी उनका होता है सिस्टम, तो उसके कारण बॉडी दान दी जाती है और उसमें कुछ नहीं है। और बॉडी दान देनी एक बहुत बड़ी बात है, सोच नहीं सकते दुनिया वाले। जब भी बॉडी दान देते हैं तो लोग भी देखते रहते हैं कि वास्तव में इनकी भाई जय जयकार होती है। कुछ ना कुछ लोग मानते हैं लेकिन सारे लोग नहीं मानते, कोई 5-7% लोग मानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में भी बॉडी भी दान देते हैं, किसी का भला करना तो बहुत बड़ी बात है। सर, गुरुजी ने आज तक अपंगहीन लोगों के लिए और जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए क्या किया? अपंगहीन लोगों के लिए तो डेरा सच्चा सौदा में जैसे आप जाके भी देख सकते हो, जैसे वो साइकिल होती है ट्रायल साइकिल, जहाँ जैसे बहनें होगी जिनसे चलन जाता वो काम सीखना चाहती है तो उनको सिलाई मशीन या कोई और जैसे बिजनेस हो गया भी 5-7 हज़ार रुपया घर बैठे कमा ले तो बहुत कुछ किया डेरा सच्चा सौदा में। उनको नौकरियाँ तक लगाई, बैठ के आप नौकरी करना चाहते हो तो उनको 5-10 हज़ार रुपया भी देते रहे और बहुत कुछ किया उनके लिए। अगर जैसे कोई बीमार है उनसे उनका फ्री इलाज भी करवाया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आखिरी सवाल ये है कि सरकार से क्या अपील करना चाहो? सरकार से मेरी अपील यही है कि डेरा सच्चा सौदा के बाबा डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को जल्दी से जल्दी डेरा सच्चा सौदा में लेके आओ ताकि समाज का भला हो जाए।
एक गुरु ही है डेरा सच्चा सौदा वाला, जो समाज का बड़ा कर सकता है, बाकी कोई नहीं है। बाकी तो अपनी रोटी सेकते हैं, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी बाबा हो, सब अपनी रोटी सेकते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रिंद सिंह जी बाबा ऐसा है जो लोगों के लिए सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि आप जल्दी से जल्दी बाबा जी को जेल से छोड़ो और समाज को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा कि इनका ये कहना है कि गले गले की शर्त, यानी कि सिर की शर्त लगा सकते हैं कि अगर डेरा सच्चा सौदा में कुछ गलत होते हुए देखा तो ये बहुत बड़ी बात है। जरा इस पे सोचिएगा जरूर, क्या आप अपनी लड़कियों को एक स्वच्छ समाज देना चाहते हैं या फिर नहीं। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने हर क्षेत्र में लड़कियों से लेके ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को समझा और उसका समाधान किया। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स कर तैयार करी, जिसको किसी तरीके का कोई पेंशन नहीं मिलता, अपनी जान पे खेल के लोगों की मदद करती है। बाढ़ में जो बाढ़ आती है वहाँ पर बांध बनाते हैं अपनी जान पे खेल के, बहुत बड़ी बात है। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।